सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं एक बार सबसे पहले परिचय करवा दूं। इधर से मास्टर देवराज नांदल जी, नांदल खाप के प्रवक्ता भी हैं और आजीवन सदस्य भी हैं जाट संस्थाओं के। जलकंड बलारा जी हैं, बलारा खाप से हैं, आजीवन सदस्य भी हैं। हरदीप अलाव जी हैं, 84 खाप के प्रधान हैं और आजीवन सदस्य भी हैं संस्थाओं के। और जाट संस्था बचाओ जो हमारी समिति है उसके सारे सदस्य भी हैं हम। इधर तुलसी गरेवाल जी हैं, मैम 24 के प्रधान हैं। सुखबीर दैया जी हैं, तिलकनगर आर्य समाज से हैं संयोजक और साथ ही आजीवन सदस्य भी हैं। ये सोनू सरपंच जी हैं मकडोली से। इधर सुभाष कादैन जी हैं, आजीवन सदस्य भी हैं और जाट सभा रोहतक के सचिव भी हैं। इधर सांगवान साहब हैं, इधर प्रवीण दलाल पुराने स्टूडेंट हैं जाट स्कूल के और आजीवन सदस्य भी हैं। आज जो मुद्दा था आप सबके सामने, आप सबको यहाँ बुलाने का जो कष्ट किया, 4 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय जाट शिक्षण संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी की प्रगति रैली करने के लिए आ रहे हैं और उसमें कोई वो नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री आए, संस्था सभी की होती है, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं जो हम मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर से ही मिलेंगे और हमारी मांगे जो सीएम साहब तो पहुंचानी है उनको एक ज्ञापन भी देंगे। सबसे बड़ी और पहली मांग तो ये है कि 7 साल से जाट शिक्षण संस्थाओं में चुनाव नहीं हो रहे जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। 2015 में पुरानी कार्यकारिणी बर्खास्त हो गई थी, उसके बाद 2022 आ गया, अभी तक चुनाव नहीं हुए। दूसरा मुद्दा, अहम मुद्दा जो है वो ये है कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने पंडित निक्कीराम शर्मा जो कॉलेज है पावर हाउस पे, उसके लिए 78 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। तो हम भी आपके माध्यम से और हमारी सारी जो है आजीवन सदस्य जाट संस्था बचाओ समिति आपके माध्यम से भी एक अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, जाट संस्थाओं के हालात खराब हैं और हम तकरीबन 100 करोड़ रुपए संस्थाओं के लिए अनाउंसमेंट चाहते हैं। 100 करोड़ संस्थाओं को दे के जाएँ ताकि संस्थाओं का जीर्णोद्वार हो सके। उसमें मुख्य चीज़ें जो रहेंगी, जाट स्कूल 107 साल पुराना स्कूल है, उसकी हालत बिल्कुल जर्जर है, उसके लिए हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं। उसके अलावा जो है एक रोड है जो सभी जो आज जो सदस्य थे जिन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया उनका योगदान था, जो संस्थापक सदस्य सबकी वहाँ पे छोटराम जी की समाधि भी है, चौधरी देवी सिंह की मूर्ति भी है, उसके अलावा मास्टर बलदेव जी की समाधि है, उनकी मूर्तियाँ भी हैं, वहाँ तक जो रास्ता जाता है वो रास्ता पिछले 5-6 साल से टूटा हुआ, हालत ख़राब है उसकी, वो रास्ता बनाया जाए, उसके लिए भी हमने समय समय पे मांगे रखी हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमने अभी सीएम विंडो भी लगाई थी, एक प्रस्ताव पास किया था सरुखा पंचायत ने जो हमारी हुई थी पीछे, उसमें ये मुख्य जो मांगे थी वो मैं इसमें पढ़ के बता देता हूँ। छोटराम चौधरी छोटराम मास्टर बलदेव जी की मूर्ति का पुनर्निर्माण करना, जाट कॉलेज के विवादित प्रिंसिपल महेश ख्यालिया जिसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते रहे हर वक्त, उसकी तुरंत बर्खास्तगी हो। जाट कॉलेज में जो अवैध अखाड़ा था, वहाँ जो अवैध वसूली होती थी करोड़ों रुपये, उसकी सारी जाँच हो। ये सारी हमने इससे पहले भी मुख्यमंत्री महोदय को, आप देखिए सारे हरियाणा की पंचायत की खापों के आजीवन सदस्यों के साइन है इसके ऊपर, हमने भेजी थी सीएम विंडो पे लगाई है, क्योंकि माध्यम यही है सीएम साहब से जल्दी जल्दी मिलने का कि आप सीएम विंडो पे लगाएं। इसके अलावा जो अन्य हमारी मांगे हैं, एक पीएफ घोटाला हुआ था, उसकी उसके आदेश हुए थे कि उसकी जांच रिटायर्ड सेशन जज से हो, वो कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी रिटायर्ड सेशन जज से जाँच होनी चाहिए, उसकी आज तक नहीं हुई, सीएम विंडो पे लगा रखी थी हमने। हम सीएम साहब से सीधा अनुरोध कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए कि वो अपनी मीटिंग में, अपनी सभा में जाट संस्थाओं के लिए 100 करोड़ के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी एक बार गौर करें। और इसके अलावा जो है और जो मांगे हैं,
कुछ नए कोर्सी जाट संस्थाओं में शुरू करने हैं, जैसे GNM, ANM, JBT नहीं है, जिससे कि प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू हो सकें। तो मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ, पूरी हमारी समिति है उसके साथ, कि CM साहब इस बात के ऊपर विचार करें और 4 तारीख को कम से कम, नहीं तो मैं कहता हूँ 100 करोड़ की अनाउंसमेंट जरूर करके जाए, ताकि संस्थाओं का जीर्णोद्वार हो सके। बोलो प्रधान जी, सब कुछ। मेरा नाम हरदीप सिंह अलावत, प्रधान 84 खापरो तक, और मैं इसका भी जो हमारी काम सदस्य कमेटी है इसका भी सदस्य हूँ और आज ही उन सदस्य भी हूँ। मेरी सबसे पहले यही मांग है कि जो जाट संस्था खंडर हो चुकी है इसके निर्माण के लिए तो काम करे ही करे सरकार, और जो हमारी मांग है 100 करोड़ की, अब इसमें 100 करोड़ की घोषणा करके जाए और उसको घोषणा ना करके जाए, उसको इसमें लागू करने का भी अमल करके जाए, नहीं तो ये बहुत उन्हें कई बार घोषणा कर दिया है और फिर लगना कुछ नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं घोषणा के साथ साथ उसको लगाने का भी काम करें, और इस संस्था का बिल्कुल जो खंडर हो चुकी है इसको एक बढ़िया बनाने का काम करके जाएँ, हमारा यही रिक्वेस्ट है और यही CM साहब से अनुरोध है। प्रधान जी तुलसी गरेवाल जी, पीछे सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह जब आए थे, जब वो लोहा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि 51 लाख रुपए देंगे और जितना लोहा लगेगा सर छोटू राम के नाम से ऑडिटोरियम बनने का वो लोहा भी उपलब्ध करवाएंगे। ना तो वो लोहा मिला, ना कोई किसी प्रकार की नींव रखी गई। हमारी मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन है कि सर छोटू राम के नाम से एक विशाल ऑडिटोरियम भी यहाँ बनाया जाए। उसका जो है शिलान्यास आज से 5 साल पहले हुआ था, उसके बारे में भी हम अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि 4 तारीख को इसके बारे में भी अपनी बात रखें कि भाई वो 5 साल से बन क्यों नहीं पा रहा है। उनकी तरफ से पैसा भी आ गया था, अब आराम जाने वो पैसा अकाउंट में है कहाँ है, वो तो संस्था जाने और सरकार जाने। मैं जलकरण बलारा, जाट शिक्षण संस्था का छात्र भी रहा हूँ। हर एक आदमी को सिर्फ 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, एक तो अपना परिवार, अपना घर और अपना विद्यालय। मेरे इस विद्यालय का जो 100 साल पुराना है, 110 साल पुराना हो चुका है, इसका जो सत्यानाश देख करके हम मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि आपकी प्रगति रैली को हम जब भी सफल मानेंगे, जब इस संस्था की दुर्गति को दूर किया जाए, क्योंकि संस्था में इतना बुरा हाल संस्था का हमने कभी नहीं देखा। तकरीबन 60 साल से तो हम इस संस्था को देख रहे हैं, अब हर एक जो भी सरकार आती थी कम से कम इस संस्था का ध्यान रखती थी, क्योंकि यही निर्माण होता है। ये इस ज़िले की सबसे पहली संस्था थी जिसने यहाँ शिक्षा का उद्दान किया, और शिक्षा समाज की प्राण होती है, इसलिए शिक्षा को अच्छी तरह बच्चे ले सकें, वहाँ बैठने की व्यवस्था, ऑडिटोरियम वगैरह जैसा सब ने कहा है उसकी व्यवस्था की जाए। दिनों दिन बढ़ती महंगाई ने आम आदमी इसका उद्धार नहीं कर सकता। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी संस्था को जो है ना सरकार संभाले और इसका उद्धार करके शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बनाए जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही सुविधा हो, उनका भविष्य बने। मास्टर जी, मैं देवराज नांदल, हरियाणा, क्योंकि समस्त भारत अखिल भारतीय नांदल साहब का प्रवक्ता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी दूसरी बार हमारी जाट संस्था में आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि प्रगति की समीक्षा करेंगे, हरियाणा की प्रगति की समीक्षा करेंगे। BJP पार्टी की ओर से आ रहे हैं, हम अनुरोध करते हैं कि सारे प्रदेश की समीक्षा प्रगति भी कर रहे हैं तो हमारी जाट संस्था की समीक्षा भी करें। बहुत सारे 7 साल से चुनाव हुए, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको बार बार हमारी कमेटी लिखती रही है, उसकी ओर ध्यान दें और जितनी भी समस्याएं हैं उनका मौके पर निराकरण करें। चाहे रास्ते की समस्या है, चाहे बिल्डिंग की समस्या है, चाहे नियमितता है, इनडिसिप्लिन है, प्रिंसिपल की नियुक्ति गलत है, उसकी जांच करा करके तुरंत जो है संस्था का सुधार करें। और ये संस्था ऐसी है जो उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थी कभी, तो आज भी छत्तीस बिरादरी की संस्था है, ये नाम जाट संस्था जरूर है। बहुत बड़े बड़े हर जाति के व्यक्ति यहाँ से महान व्यक्ति बन के गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस संस्था में जो आ रहे हैं तो आने का एक इतिहास बने कि मुख्यमंत्री जी ने ये सुधार किए हैं, ये मांगे मानी हैं,
ये हमारा मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से अनुरोध है, आशा आप हमारी आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। एक बात और मैं आपके बीच रख दूं कि जाट शिक्षण संस्थाओं का एक इतिहास रहा है। इससे पहले भी सर छोटूराम जी जब मंत्री होते थे, उन्होंने जाट संस्थाओं में पूरा योगदान दिया अपने तरीके से। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, वो आए, उन्होंने एक बार हालात इतने ख़राब थे कि महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय को लाखों रुपए दिए बचाने के लिए उसको। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो अन्य जो मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाली, सब ने यहाँ योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई हम मनोहर लाल जी से मांग रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भाई हर मुख्यमंत्री जो भी संस्था में आया है, चाहे वो किसी जाति धर्म का रहा हो, उसने जाट संस्थाओं की मदद करी है हर तरीके से। और अब जो हालात हैं जाट संस्थाओं के, वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। हम बीच बीच में आप सबको याद दिलाते भी रहते हैं इन चीज़ों को लेके। हमारी कमेटी भी जाट शिक्षण संस्था बचाओ कमेटी इसीलिए बनाई, और हमारे बहुत सारे काम हम प्रशासन से मिलकर करवा भी रहे हैं इस समिति के दौरान। प्रवीण जी, सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण दलाल है। मैं जाट स्कूल में 1993 तक पढ़ा हूँ, और अब जब जाट स्कूल की तरफ जाते हैं तो उसकी बिल्डिंग की बड़ी ख़राब हालत है। जो जाट स्कूल के प्राचार्य हैं उनको स्टूडेंटों से अनुरोध करना पड़ रहा है कि भाई आप संस्थाओं में कुछ योगदान दें जिससे इसकी बिल्डिंग को ठीक कराया जा सके। तो मेरा भी मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध है, वो इस ओर ध्यान दें और संस्था में जल्द से जल्द चुनाव कराएं ताकि इन संस्थाओं का कुछ उद्धार हो सके। धन्यवाद। अब आप लोगों में कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का भी कुछ है? सर, जिस प्रकार से आपने पहले भी ज्ञापन वगैरह दिए मुख्यमंत्री को, अपनी मांगे रखी और उस दौरान पूरी नहीं हो पाई, क्या आपको मतलब लगती है घोषणा पूरी करेंगे? देखिए, ऐसा है, सीएम विंडो के माध्यम से हम वक्त वक्त पे ये सारी अपनी शिकायतें मांगे जो है मुख्यमंत्री महोदय को भेजते रहते हैं। उनमें से कुछ पे काम हुआ है, बहुत सारी बची हुई हैं। तो अब एक ऐसा मौका मिला है जब मुख्यमंत्री खुद जाट संस्थाओं में आ रहे हैं, तो आजीवन सदस्य होने के नाते और एक समाज से जुड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम मुख्यमंत्री को एक बार याद दिला दें आपके माध्यम से और डीसी साहब के माध्यम से। सरकार की क्या मंशा लगती है कि सभी जो संस्थाएं हैं वो भी मांग कर रही है, चाहे वैश्य संस्था है और ब्राह्मण संस्था है, जाट संस्था है, या चुनाव की उन्हें क्या मंशा लगती है? देखिए, मुझे एक तो बहुत सारे मामले जो एक्चुअल में इसका असली जो दिक्कत है, वो जो सोसाइटीज़ एक्ट 2012 बना ना, वो इतना लचीला है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार के हाथ में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आजीवन सदस्य जो इस तरह के हैं, जिनको कोर्ट में जाने का शौक है छोटी छोटी बातों पे, उनकी वजह से भी चीज़ें रुक जाती हैं। और जब से 2012 एक्ट बना है उसके बाद से इन संस्थाओं में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कॉलेजियम सिस्टम बना है तो हमने तो ये भी मांग की थी कॉलेजियम सिस्टम को इस संस्थाओं के लेवल पर ख़त्म किया जाए ताकि एक सीधा चुनाव हो जाए। कभी तो वार्डबंदी के ऊपर झगड़ा हो जाता है, कभी वोटर लिस्ट के ऊपर झगड़ा हो जाता है, कभी ये बोलते हैं कि हमारा वार्ड ठीक नहीं बना, तो ये सब चीज़ें उसमें। अब अगर सीधा चुनाव होगा तो सीधी वोटिंग होगी, जैसे मेयर का चुनाव हो रहा है या अन्य और जगह पर चुनाव। जैसे अभी एक्ट में बदलाव तो कर दिया कि भाई जिन संस्थाओं की 1000 तक वोट है उनमें डायरेक्ट चुनाव होगा। अगर ये खुला कर देंगे डायरेक्ट चुनाव होगा तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, जिसको ऑब्जेक्शन होगा अपनी वोटर लिस्ट ठीक करा लेगा, सीधा चुनाव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली। क्या आश्वासन मिला?